कांग्रेस बीजेपी में फिर एक बार छिड़ी बड़ा हंगामा। बता दें कि ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में गुरुवार को फाइलों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। यह बैठक के एजेंडे के तय बिंदु में नहीं था। विपक्षी पार्षद ब्रजेश श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि एमआईसी की बैठक में एयरपोर्ट के नाले की फाइल पर सदस्यों ने तब साइन किए जब कांग्रेस विधायक ने निगमायुक्त से वादा लिया कि वह उनकी भी एक फाइल स्वीकृत करेंगे। इस बीच विधायक प्रतिनिधि कल्लू दीक्षित ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर टिप्पणी की। इस पर विपक्षी पार्षद भड़क गए। दोनों पक्षों के पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। खींचतानी की नौबत आने पर सभापति मनोज तोमर को बैठक स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने आपत्ति जताकर कहा कि अगर परिषद में हम आउटसोर्स घोटाले की जांच में देरी का मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष तुरंत ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेना शुरू कर देता है। अगर ऐसा है तो विपक्षी भी कमलनाथ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेना शुरू कर देगा। इससे पहले बैठक की शुरुआत में सफाई के मुद्दे पर चर्चा की गई। विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्वच्छता के नाम पर खेल किया जा रहा है। शहर में 22 CNDD कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। हर कलेक्शन सेंटर की लागत 18 लाख है, लेकिन इसे सिर्फ फोटो खींचने के लिए बनाया गया है। यहाँ कोई कचरा नहीं है। वॉल पेंटिंग के नाम पर वर्ष 2022 को 21 बनाया गया, 2021 को 22 और 22 को 23 कर दिया गया। विशेष फर्मों को ही ठीक किया जा रहा है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस पर सभापति ने आदेश दिया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए वर्ष 2022 को 21 और 21 को 22 में किए गए खर्च की जानकारी एक माह में सदन में प्रस्तुत की जाए, ये दावा है। तो जिस तरीके से ये हंगामा हुआ, अब तो पूरी जांच होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।